स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम शक्ति साधना में। और आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राज मिश्रा जी। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका, नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है और इस पावन अवसर पे माता रानी के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज आचार्य जी अष्टमी भी है और नवमी भी है, बेहद खास दिन होता है और पूरे नवरात्र में इस दिन का इंतजार लोग बेसब्री से करते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अष्टमी नवमी एक साथ पड़ रही है, अष्टमी नवमी जब एक साथ पड़ती है तो क्या कुछ खास होता है और पूरे नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी का क्या कुछ खास महत्व है? के अष्टमी नवमी एक साथ पढ़ना, खैर बहुत लोग भ्रांतियों में हैं कि कब अष्टमी की पूजा करें कब नवमी की पूजा करें, बहुत सारी भ्रांतियां जरूर रही हैं, लेकिन अष्टमी नवमी दोनों एक साथ पढ़ना कहीं ना कहीं एक बहुत शुभ संयोग है। आप जानते हैं महागौरी और सिद्धदात्री, जो नौवां स्वरूप है आदिशक्ति का वो सिद्धदात्री का है और जो अष्टम स्वरूप है जो देवी की है पराशक्ति का है उसको कहा जाता है महागौरी। तो ये एक साथ महागौरी और सिद्धदात्री दोनों का जो आशीर्वाद है वो एक साथ प्राप्त करने का सुंदर पर्व अगर देखा जाए तो वो है। हम सबसे पहले, मैं चाहूंगा सबसे पहले R9TV के जो सभी दर्शक हैं मेरे साथ हाथ जोड़ करके अपने अपने घर में बैठ करके, इस कोरोना काल में मंदिर नहीं जा पा रहे हैं बहुत सारे लोग, पूजन नहीं कर पा रहे हैं, कन्या पूजन बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा प्रयास रहा कि हम आपको घर बैठे देवी की आराधना कराएं। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग हाथ जोड़ करके बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मन में इस प्रकार का विचार करते हुए कि हम देवी के सामने बैठ करके देवी के दर्शन करते हुए उनकी आराधना कर रहे हैं, ऐसी कामना करते हुए हाथ जोड़ करके सब लोग जगत जननी माता जगदम्बा का मेरे साथ ध्यान करें, उसके बाद हम लोग इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ॐ शरणागत दीनार्थ परित्रायण पारायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले जगत जननी माता जगदम्बा की जय। मैं आदिशक्ति माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे ताकि आप सभी का जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत सही कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ये पहली बार ऐसा मौका भी मिला है कि नवरात्र में लोग मंदिरों तक जाने से भी कतरा रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, फिर भी लोग डर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर बार हम नवरात्र में जो रौनक देखने को हमें मिलती थी वो इस बार हमें देखने को नहीं मिल रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि 9 दिन के पावन अवसर की जो समाप्ति है वो बस अब होने ही वाली है, तो शुरुआत तो हम हर्षोल्लास के साथ करते हैं लेकिन जब नवरात्र खत्म होने वाली होती है तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा दुख और मन उदास जरूर होता है। पद्धति आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे पूजा की विधि करें, कैसे विधि विधान से माता रानी की विदा की जाए। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस प्रकार हमारे लिए प्रारंभ महत्वपूर्ण है उसी प्रकार हमारे लिए जो समाप्ति है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें ये सोच करके चलना चाहिए कि हम दुर्गा जी को कभी अपने घर से विदा नहीं कर सकते हैं, हम किसी देवी देवता को अपने घर से विदा नहीं करते हैं, हम विदा किसको करते हैं, उनकी विग्रह को विसर्जित करते हैं या जो हमने पूजन के लिए सामग्री इत्यादि रखा है उसको विसर्जित करते हैं। तो अपने मन में हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि कभी भी ये विचार ना करें कि मैं दुर्गा जी को अपने घर से विसर्जित कर रहा हूं या कर रही हूं या मैं दुर्गा जी को यहां से हटा रही हूं, ये हमेशा ध्यान रखें और उनसे प्रार्थना भी करें। विसर्जित करते वक्त एक महत्वपूर्ण प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी मैं आपके विग्रह का विसर्जन कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं आपका विसर्जन अपने घर से या आपको अपने घर से जाने के लिए नहीं कह सकती। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय, जब भी हम नवरात्र का प्रारंभ करते हैं तो हम सामग्री को खरीद करके अलग अलग जगह से अच्छी सामग्री देख करके लेके आते हैं, लेकिन जब नवरात्र की समाप्ति, मैंने ये बहुत सारा महसूस किया है और बहुत सारी जगह देखा है और मैं चाहूंगा कि दर्शक इस चीज को समझें, आप सामग्रियां बहुत श्रद्धा से लेकर के आए, बहुत अच्छी तरह खरीद करके लेके आए, लेकिन जब आप विसर्जन करने आते हैं तो कहीं भी उठा करके उन सामग्रियों को आप किसी पेड़ के नीचे उठा करके फेंक देते हैं, कई बार कहीं रास्ते में फेंक देते हैं। अगर नवरात्र के बाद देखा जाए या दीपावली के बाद देखा जाए या विजयदशमी के बाद देखा जाए तो ऐसा देखने में आता है कि सामग्रियां रोडों पर पड़ी हूं, वो देख करके बड़ा दुख होता है कि जिन देवी की मूर्ति आप बड़ी श्रद्धा से लेकर आए थे, जिस देवता की मूर्ति आप बड़ी श्रद्धा से लेकर के आए थे, जिस पूजा
पूजा सामग्री को आपने परमात्मा के कार्य के लिए प्रयोग किया था, वो पूजा सामग्री, वो देवी देवता की मूर्ति आज रोडों पर पड़ी हुई है, लोगों के पैरों में आ रही है। तो सबसे पहले विसर्जन को लेकर के कभी भी इस प्रकार नहीं करना चाहिए। आप बेशक स्टार्टिंग में उतनी पूजा सामग्री खरीदें, उतनी चीजें खरीदें जितना विसर्जित करने के लिए आपके पास स्थान हो। हिंदू धर्म पूरी तरह साइंटिफिक चीजों पर निर्धारित है, कहीं भी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि कोई भी चीज आपके लिए नुकसानदायक हो। तो एक तो पूजा सामग्री व्यवस्थित रूप से जब विसर्जन करें तो उसके बाद किस पेड़ के नीचे गाड़ सकते हैं, किसी पार्क इत्यादि में ऐसा करें कि जिससे वो उसका उपहास ना हो और लोगों को उसके साथ असुविधा ना हो उस चीज़ से। तो ये सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना चाहिए। जब हम विसर्जित कर रहे होते हैं देवी जी की, जब भी हम आराधना करते हैं तो उनके साथ आवाहन करते हैं, तो हम सभी सूर्यादि नवग्रहों की भी आराधना कर लेते हैं। तो जब भी आप विसर्जित करें सायंकाल में तो हाथ जोड़ करके पवित्र होकर के श्रद्धापूर्वक विसर्जन में, अगर पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर के देवी का विसर्जन करे तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और पूरे परिवार को शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हाथ जोड़कर सायंकाल में श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हुए कि हे देवी, आप हमारे हृदय में निवास करें, हमारे परिवार में निवास करें, हम आज आपके विग्रह का विसर्जन करना चाहते हैं तो हमारे परिवार में सदैव बनी रहें। तो इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए देवी का विसर्जन करें तो बेहतर। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही करेंगे कि इस बार तो नवरात्रि थोड़ी सी तकलीफदायक जरूर रही क्योंकि मंदिरों में वो रौनक हमें देखने को नहीं मिली। वो जो रौनक होती थी कहीं ना कहीं इस बार श्रद्धालुओं को भी उस रौनक की कमी रही, पर आने वाले नवरात्र में इस प्रकार की कोरोना काल की जो दुविधा है वो खत्म हो जाए और एक बार फिर से हर्षोल्लास के साथ इस नवरात्रि के पावन अवसर को हम सब मिलकर मनाएं। लेकिन हर बार की तरह आचार्य जी, हमने इस बार भी देखा कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान तो रख रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो मंदिर भी गए, माता रानी की पूजा अर्चना भी करते नजर आए और बहुत सारे मंदिरों में तो हर बार जैसी रौनक नजर आती थी वैसी एज इट इज ही नजर आई। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव और विश्वास माता रानी को लेकर हमेशा दर्शकों के अंदर बना हुआ है। देखिए, अगर भारत देखा जाए, भारत विश्व गुरु क्यों है या भारत को संस्कार की भूमि कही जाती है, आज अगर देश विदेश के अंदर उठा करके देखा जाए तो लोग भारतीय संस्कार को कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं, भारतीय संस्कार को फॉलो कर रहे हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो। अगर मैं यहां पर एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत सुंदर कविता थी, अगर मैं उसको याद करूं कि बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों की नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो उन्होंने बहुत सुंदर, हमारा भारत का एक महत्वपूर्ण रहा ही इसलिए है, इसीलिए पूरा विश्व हमें फॉलो करता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हो, परिस्थितियां चाहे जितनी मुश्किल हो, लेकिन हम अपने धर्म से अपने आप को पीछे नहीं हटाते हैं। और जब हम अपने धर्म से अपने आप को पीछे नहीं हटाते हैं तो कहीं ना कहीं माता हमें आशीर्वाद दे करके या परमात्मा हमें आशीर्वाद दे करके हमारे लिए मार्ग जरूर प्रशस्त करते हैं। तो इस बार की ये खूबसूरती जरूर देखने को मिली कि कोरोना काल होते हुए भी लोगों के अंदर जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो विश्वास है, वो कहीं कम नहीं हुई। बिल्कुल, हाथों में प्रसाद की जगह सैनिटाइजर नजर आया और कहीं ना कहीं वो उत्साह, उमंग और वो चेहरे में जो रौनक थी दर्शकों की वो हर बार की तरह इस बार भी देखने को मिली। आचार्य जी, हर बार हमने देखा है कि नवरात्र में 9 दिनों में जिस तरह से माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है उसमें हर एक दिन का बेहद खास महत्व माना गया है। 9 दिन बेहद खास होते हैं पर हर दिन का एक बेहद खास महत्व माना गया है और श्रद्धालु भी अपने पूरे पुरजोर लगाकर कोशिश करते हैं कि माता रानी को वो प्रसन्न करें और माता रानी से मन वांछित फल की कामना करते हैं। अष्टमी का क्या विशेष महत्व है और नवमी का क्या विशेष महत्व है? इन माता रानी की पूजा अर्चना करने से, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से हमें किस प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जब भगवान राम और शबरी की चर्चा हो रही थी तो नवधा भक्ति को लेकर के वहां पर चर्चा हुई है। नवधा भक्ति को लेकर के श्री रामचरितमानस के अंदर भगवान राम ने विशेष रूप से शबरी को समझाया है। वो अगर नवधा भक्ति की टोटल पराकाष्ठा को देखा जाए तो नवरात्र में जाकर के उस नवधा भक्ति की जो पूर्ण विशेषता है वो होती है। नवरात्र में 9 दिन को लेकर के, जैसे पूजा जी ने आपको बताया कि नवरात्र जो 9 दिन है उसका अपना एक अलग अलग महत्व है। अगर हम प्रथम दिवस को देखें तो प्रथम दिवस शैलपुत्री का है। शैलपुत्री क्या है? शैलपुत्री वो देवी है जो हमारे जीवन में हमें प्राकर्म देने वाली देवी मानी जाती हैं। द्वितीय जो दिवस है वो ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी क्या है? हमारे
अंदर स्थिरता और अपने अंदर संयम को प्रदान करने वाली देवी हैं। तृतीया दिवस चंद्रघंटा देवी का है, आपकी मानसिक शांति प्रदान करने वाली कहीं ना कहीं देवी है। कुष्मांडा देवी सूर्य की अधिष्ठात्री देवी देखी जाती है, चौथे दिवस की देवी होती हैं। आपको जीवन में इनकी आराधना से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। स्कंद माता संतान प्राप्ति को लेकर के, पार्वती जी का वो स्वरूप जो स्वामी कार्तिकेय को अपने साथ लिए हुए, तो स्कंद माता का स्वरूप कहीं ना कहीं आपके जीवन में संतान की परिस्थितियों को लेकर के इनकी आराधना बेहतर होती, संतान नहीं हो रही किसी प्रकार से दिक्कत है। माता कात्यायनी विवाह को लेकर के, इसी प्रकार जो महागौरी है वो आपके जीवन के समस्त दुखों को दूर करने वाली देवी है। सिद्धदात्री जो आपने जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि कोई आपकी कामना है तो उस आशीर्वाद को कहीं ना कहीं सिद्धदात्री की कृपा से हम पूर्ण कर सकते हैं, उस कामना को कहीं ना कहीं हम प्राप्त कर सकते हैं। तो महागौरी और सिद्धदात्री, कहीं ना कहीं ये भ्रांतियां मैं मानता हूं कि आज इसको लेकर के रहा, कुछ सूर्य उदय के कारण ये भ्रांति रही और कुछ नहीं रहा। जहां पर सूर्य उदय 31 पर हुआ, जहां पर सूर्य उदय जो है वो 6:35 से पहले रहा है, वहां पर जन्माष्टमी दुर्गाष्टमी एक दिन पहले मनाई गई, और जहां पर 6:35 के बाद हुआ वहां एक दिन बाद मनाई गई। इस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों देवियों का यदि आशीर्वाद हमें एक दिन प्राप्त हुआ है तो हमारे लिए स्वाभाविक। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पावन अवसर भी है ये। और वैसे भी दर्शकों कहते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी सभी की मुरादें पूरी करती है, पर लोग और भक्त जो है वो अपने अपने तरीके से माता रानी को मनाने में जुटे होते हैं। आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, कुछ लोग पहले दिन और आखिरी दिन रखते हैं, कुछ लोग तो 9 दिन भी नहीं रख पाते। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति है, पर उन दर्शकों को आप क्या उपाय बताना चाहेंगे, एक छोटा सा उपाय जिन उपाय को वो करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं? सबसे पहले व्रत के नियम को समझना होगा। व्रत क्या है? व्रत ये नहीं है कि आप सिर्फ भूखा रह जाते हैं और आपका व्रत हो जाता है। व्रत का तात्पर्य है कि आप कोई ऐसा व्रत लें, आप बहुत नशा करते हैं, आपने व्रत लिया कि मैं ये नशा नहीं करूंगा, मैं 9 दिन किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, मैं सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करूंगा। आपने व्रत लिया कि मैं किसी को 9 दिन भोजन दान करूंगा, ये एक प्रकार का व्रत है। सबसे बड़ा व्रत अगर आज तक संसार में किसी ने लिया है तो भीष्म पितामह ने लिया है, उनका नाम देवव्रत था। तो व्रत का तात्पर्य सिर्फ भूखा रह करके व्रत नहीं कहा जा सकता है। फिर भी अगर मैं आज एक विस्तार से एक विशेष उपाय की आज बात करता हूं कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवी का आशीर्वाद हमें पूर्णतः प्राप्त हो जाए, एक अगर कमल का पुष्प मिल जाए, नहीं कमल का पुष्प मिले तो लाल पुष्प आपको मिल जाए और जाकर के देवी जी के श्री चरणों में अर्पण करते हुए श्रद्धापूर्वक वहां पर बैठ करके प्रार्थना करते हुए या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए, देवी जी का आशीर्वाद। जी बिल्कुल, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आचार्य जी ने जो आपको मंत्र बताया उन मंत्रों का उच्चारण कीजिए और माता रानी को प्रसन्न कीजिए। और वैसे भी क्या क्या कुछ ऐसे और उपाय हो सकते हैं जिनसे आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश करते हैं, वो भी बताएंगे आप। आचार्य जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि नवरात्र में हम माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी के 9 अवतार की पूजा अर्चना की जाती है और हर दिन का बेहद खास महत्व होता है। पर नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने पहली बार नवरात्र का व्रत रखा, इसके पीछे क्या कुछ कथा प्रचलित है और देवी की पूजा क्यों की जाती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब इसको लेकर के अगर मैं श्री रामचरितमानस में जाऊंगा तो शायद सबसे बेहतर निकल करके आएगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं देखूं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब माता जानकी की प्रार्थना प्रारंभ की तो उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक में कहा, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता नतो हम राम वल्लभाम। आदिशक्ति की आराधना हमारे जीवन में स्थिरता और समस्त परिस्थितियां सुख शांति जीवन को प्रदान करने वाली है। अब अगर बात करते हैं किसने वाक्य में इस पूजन को प्रारंभ किया, सबसे पहले इस पर आते हैं फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न का जो है उत्तर देते हैं। पहला जो नवरात्र का प्रारंभ रहा है वो भगवान राम ने कहीं ना कहीं पहली बार जो है वो प्रारंभ किया नवरात्र का। भगवान राम को अगर देखा जाए, भगवान शिव की स्थापना रामेश्वरम में करने के बाद लंका पर विजय प्रस्थान के लिए आगे बढ़े। जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो एक दिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि रावण ने अपने पराक्रम से करीब करीब भगवान राम को विचलित कर दिया। एक दिन का युद्ध का ऐसा समय रहा जब रावण ने अपने पराक्रम से भगवान राम को विचलित कर दिया। तो प्रभु को लगा ऐसा क्या रहा। जब शाम को युद्ध के बाद डिस्कशन प्रारंभ हुआ आपस में तो सभी ने कहा कि प्रभु ये तो युद्ध का कारण है, चलता रहता है, किसी दिन किसी का पल्ला भारी होता है, किसी दिन किसी का भारी होता है, इसमें बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज रावण अकेला युद्ध नहीं कर रहा था,
अगर आज हम युद्ध को देखें तो उसके साथ समस्त शक्तियां युद्ध कर रही थी, और कहीं ना कहीं हमें यहीं से जो हमारे पास कमी रही है वो यही एक कमी रही है कि हमने शायद शिव की तो आराधना की है लेकिन आदिशक्ति की आराधना नहीं की है। उस दिन प्रभु राम ने 9 दिन तक देवी की आराधना के लिए संकल्प लिया कि आज से 9 दिन तक मैं देवी की आराधना करूंगा और प्रतिदिन देवी को एक कमल का पुष्प अर्पण करूंगा। तो देवी की जब आराधना करना प्रारंभ किया, कमल का पुष्प अर्पण करना प्रारंभ किया, एक दिन ऐसा रहा, क्योंकि रावण इस चीज को जानता था, रावण परम विद्वान था, तो एक दिन आसुरी शक्ति के माध्यम से रावण ने क्या किया, एक कमल के पुष्प को गायब कर दिया। अब वहां कमल का पुष्प जब पूजन करने बैठे तो देखा कमल का पुष्प तो है ही नहीं। अब भगवान राम को लगा कि अगर एक शक्ति की जो आराधना है उसमें कमी रह गई तो ऐसी परिस्थिति में जो मेरा लक्ष्य है कि लंका के अंदर विजय प्राप्ति भगवान राम का लक्ष्य नहीं था। भगवान ने कहा भी था कि हमारा विरोध रावण से नहीं है, हमारा विरोध रावणत्व से है, हमें जो पराजय प्राप्त करनी है वो रावणत्व पर करनी है। तो जब भगवान राम ने देखा कि अगर शक्ति की जो आराधना है वो अधूरी रह गई तो मैं लंका पर विजय तो प्राप्त कर लूंगा लेकिन विजय प्राप्ति के बाद ये लंका में सुख शांति की कामना है वो नहीं रह जाएगी, तो मुझे वो करने के लिए शक्ति की आराधना पूर्ण करनी होगी। एक कमल का पुष्प बहुत प्रयास किया गया, नहीं मिला। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा धनुष बाण लेकर के आओ, और धनुष बाण ला करके भगवान राम ने अपने नेत्र को निकालने का प्रयास किया कि मैं नेत्र अर्पण कर दूंगा, कमल नेत्र के समान होते हैं, मैं कमल नेत्र, कमल नयन भगवान कहे जाते हैं, तो मैं कमल नयन कहा जाता हूं, मैं अपने नेत्र अर्पण कर दूंगा। जब भगवान राम अपने नेत्र को निकालने चले तो देवी आदिशक्ति प्रकट हुई और कहा कि मैं आपके साथ हूं, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। तो जो 9 दिन की आराधना है, जो 9 दिन के व्रत की आराधना है, ये वास्तविकता में भगवान राम के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसको आज हम सभी लोग पालन करते हैं जी। तो ये विशेष कथा रही है नवरात्र की। ये तो आपने कथा बता दी, मेरा नेक्स्ट सवाल भी आपसे ये था कि देवी की पूजा क्यों बेहद ज्यादा खास मानी जाती है। उसी प्रकार देवी की आराधना, कभी भी परमात्मा की आराधना से आपको जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, जो ब्रह्म की आराधना है वो आपके जीवन में आपको प्रसिद्धि प्रदान कर सकती है, लेकिन बिना आदिशक्ति की आराधना आपको शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। अगर दोनों की आराधना होगी तभी आपको प्रसिद्धि के साथ कहीं ना कहीं शांति की प्राप्ति जीवन के अंदर हो सकती है। जिस प्रकार एक पुरुष घर को बना सकता है, घर बनाने में पुरुष धन एकत्रित कर सकता है, एक सुंदर बंगला खरीद सकता है, एक सुंदर घर बना सकता है, लेकिन उस घर के अंदर जब तक एक स्त्री का प्रवेश ना होने पाए तब तक वो घर शायद उस घर में शांति और उस घर का वातावरण जो एक गृह कहा जाता है, जो गृह सुख कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसी प्रकार ब्रह्म की आराधना आपके जीवन में आपको प्रसिद्धि प्रदान कर सकती है, आपको सफलता दे सकती है, लेकिन यदि आपको वो सफलता आज आप देखते हैं, अगर हम उठा करके जीवन को देखें, आज आपको नींद की जो टेबलेट है वो शायद बंगलों में ज्यादा मिलेगी, कोठियों में ज्यादा मिलेगी, अगर आप किसी गरीब की झोपड़ी में देखने का प्रयास करेंगे तो शायद नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार ब्रह्म की आराधना आपको सुख समृद्धि, आपके जीवन को बेहतर कर सकती है, लेकिन आदि शक्ति की आराधना आपके जीवन में शांति पैदा कर सकती है, आपके जीवन में सुकून पैदा कर सकती है, आपके जीवन में सुख पैदा कर सकती है। तो इसलिए जो मेरा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसीलिए जब सबकी वंदना की तो उतना महत्व नहीं दिया, लेकिन जब आदिशक्ति की वंदना कर रहे थे तब उन्होंने विशेष रूप से कहा कि उद्भव स्थित संहार कारण, यदि जीवन में उन्नति प्राप्त करना है, यदि जीवन में स्थिरता प्राप्त करना है, यदि जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करना है, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम, यदि जीवन के दुखों को खत्म करना है, जीवन के क्लेश को खत्म करना है, सर्वश्रेष्ठ क्रम समस्त चीजें प्राप्त करना है, तो ऐसे कंडीशन में आदिशक्ति की आराधना महत्वपूर्ण जी बिल्कुल। तो किस तरह से पूजा अर्चना करना है, कैसी आदिशक्ति की आराधना करनी है, वो तो आपने सुना आचार्य जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बताया आपने कि आखिरकार क्यों नवरात्र का पर्व जो है वो बेहद खास है। एक लास्ट आपसे जाते जाते बस छोटा सा सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ कि जाते जाते कुछ ऐसा उपाय और कुछ ऐसा मंत्र उच्चारण जिससे माता रानी की पूजा अर्चना करने से भक्तगण है उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति हो। जी बिल्कुल। अगर एक बहुत सुंदर उपाय, आप लोग जानते हैं कि नवरात्र का जो प्रारंभ होता है शैलपुत्री कौन है, शैलपुत्री माता पार्वती का जो स्वरूप है वो शैलपुत्री का है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक बहुत सुंदर चौपाई, आधी चौपाई आप सब लोग जानते हैं, आधी किसी न किसी को जरूर याद होती, बहुत सारे लोगों को आधी भी याद होगी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जे जपत पुरारी, बहुत सुंदर चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जे जपत पुरारी, इस चौपाई का आज 21 बार पाठ कीजिए, 5 लौंग लाल कपड़े में बांध करके दुर्गा जी को अर्पण कीजिए और उसके बाद उस लौंग को ला करके अपने घर में
पूजा स्थान के अंदर उठा के रखें, अगले नवरात्र में ही विसर्जित कीजिएगा, तब तक इसको बांध करके रखना है। आप देखिएगा पूरे जब तक ये आपके घर में रखा रहेगा तब तक आपके घर में सुख शांति रहेगी। यदि किसी को घर में डर भय इत्यादि लगता है या बुरे स्वप्न इत्यादि रहते हैं तो वो भी दूर होंगे, जीवन सुख। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए। जय माता दी।